ओहो भाभी, धोना सुखाना बनाना, अब गया वो जमाना, क्योंकि अब आ गया है ड्राई क्लीनिंग का जमाना। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, की हाल चाल। आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कि जो अमेरिका में जो कपड़े धुलते हैं और सुखाते हैं, बनाते हैं, और उनका क्या चार्जेस हैं, कितना पैसा लेते हैं, वो कितना कमाते हैं, क्या करें। अच्छा अच्छा ठीक है, तो कैमरा मैन यानी कैमरा वुमन कह रही हैं, ये जो जैकेट है इसको भी ड्राई क्लीनिंग कराना है, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। इस तरह से हमें पहुंच गए शॉप पे, ये है शॉप, क्लीनर लिखा हुआ है और ओपन भी है। तो इसमें अभी कोई दिख नहीं रहा है। ये देखिए, यहाँ पे जो है सिलाई भी होती है, जिसको रफू बोलते हैं, कहीं कटा फटा है तो उसको भी वो सिल देते हैं। हेलो, हाउ आर यू? आई एम हियर फॉर द ड्राई क्लीनिंग, वन स्वेटर एंड वन जैकेट। It's down jacket, right? Sorry? It's down, right? Yes. Down. What's your name? One? Yeah. How long you been working here? 15 years. 15 years? Yeah. So you own this your shop? Yes. Okay. तो जो कि हम बार बार कराने आते हैं ना, तो उनके सिस्टम में हमारा सारा इन्फॉर्मेशन रहता है, तो एक बार चेक कर लेते हैं वो कौन है, तो सिस्टम में चला जाएगा पूरा इतिहास। आप 10 साल का निकाल सकते हो कि हमने कितनी बार यहाँ पे कपड़े धुलाए हैं या फिर ड्राई क्लीनिंग कराए हैं। वेयर यू आर फ्रॉम ओरिजिनली? कोरिया। यह वाओ। सो व्हाट इज द चार्जेस फॉर द ड्राई क्लीनिंग? दिस 495, दिस डाउन इज प्राइस लिटिल हाई, दिस 25। ओके, सो दिस इज, ये जो है इसका जो है $25 है, और ये है लगभग $5 इसे ड्राई, $5 का है ना। फ्राइडे तो उन्होंने, तीन दिन बाद, चार दिन बाद हमको मिलेगा। सर, हाउ मेनी क्लॉथ यू ड्राई क्लीन इन वन डे? पीपल आई डोंट नो, एवरी डे इज डिफरेंट। ओके, सो यू ड्राई क्लीन फॉर एवरीथिंग, लाइक बेड सीट एंड एवरीथिंग? यस, एवरीथिंग। ओके, एवरीथिंग वी डू हियर। हां, ओवर हियर। या ओके, ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच, वी विल कम बैक ऑन फ्राइडे। ओके, थैंक यू, ओके, बाय, हैव अ गुड डे। ओके, बाय बाय। हम सब तो गांव के मैं रहने वाला हूं, तो मैंने तो कभी ड्राई क्लीनिंग कभी कराया नहीं था, यहीं आके सीखा मैंने। और गांव में तो हमेशा जो है वो होता ना बहुलाई मैजिक, उसी से धुलाई करते थे चाहे कोई भी कपड़ा हो, या फिर एक ही साबुन से धुलते थे, है ना। आपको याद होगा ना वो ऐड, बहुलाई मैजिक। आ जाओ अन्य, अंदर चलो। 2000 years later। तो आज है शुक्रवार, अभी हम जा रहे हैं कपड़ा लेने। अगल बगल के आप जो भी घर देख रहे हैं, ये हमारा जो है गांव है, ये गांव के घर हैं हमारे, जहाँ मैं जिस गांव में रहता हूँ। तो ये देखिए लेटर बॉक्स है, जो भी जिसका भी लेटर होता है, पोस्टमैन आकर के, ये रूम नंबर देखो सबका लिखा हुआ है, 13, 14, 15। लेटर बॉक्स में जिसका वो नंबर है उसमें लेटर डाल देता है। जब भी पैकेज बड़ा होता है, जैसे आपने कुछ ऑनलाइन ऑर्डर किया है बड़ा सामान, तो वो जो है उसमें डिब्बे में तो जाएगा नहीं, तो आपके घर के सामने रख के चले जाएंगे। ये देखिए मेरे पीछे आप जंगल देख रहे हैं, है ना, ये देखिए, और इस साइड आप देख रहे हैं घर है, ठीक है। तो इस साइड घर है, इस साइड जंगल है, तो जो घर जंगल के पास में होता है ना, वो घर बहुत महंगे होते हैं। जैसे इंडिया में बोलते हैं ना वाटर फ्रंट, उसी तरह से यहाँ से जंगल फ्रंट होता है। तो जंगल फ्रंट होने की वजह से आपका जो है पैसा जो है $20,000 to $25,000 ज़्यादा होता है, महंगा उस घर का वैल्यू। ग्रोसरी स्टोर है, जो कि डेली के रोज़मर्रा चीज़ हम यहीं से लेते हैं, है ना। और जो मार्केट है वो आगे है, जो हम गाड़ियाँ देख रहे हैं, इस गाड़ी जहाँ पे ख़त्म, पार्किंग जहाँ पे ख़त्म होती है उसके बाद है शॉप, वहाँ पे हम चल रहे हैं। थैंक यू, अभी आपका स्टेट एक्चुअल। ये देखिए यहाँ पे दारू की दुकान भी है, एक देख लीजिए, सारा आइटम है इनके पास। फिर कभी वीडियो बनाएंगे इसके बाद अलग से। तो देखिए अभी कोई है नहीं, तो देखिए यहाँ पे घंटी रखी है, मैं घंटी बजाता हूँ, तब देखिए कोई निकलेगा।
Hello. How are you? I'm here for pickup. तो यहाँ पे जो है कुछ जैसे महंगे कपड़े होते हैं तो उसको फट गया, कुछ खरोच लग गया तो उसको जो है यहाँ पे फिक्स करते हैं। ऐसे निकाल देंगे। $29.95 $29.95 I haven't paid, right? No. तो हमने दे दिया कार्ड उनको, 29.95 का मतलब हो गया लगभग 2000 रुपये के आसपास। तो ये देखिए 2000 रुपये में ड्राई क्लीनिंग हुआ है दो कपड़ों का। और जैसे मैं बता रहा था, ज़्यादातर कपड़े जब फट जाते हैं तो लोग फेंक देते हैं, जो रेगुलर कपड़े होते हैं। लेकिन जैसे कुछ महंगे कपड़े हैं, पार्टी वियर है, तो उसको यहाँ रिपेयर करा सकते हैं। तो देखिए यस $29.95 That's a single stitch. Oh, the stitch machine? Yeah, any kind. Ah, okay, okay, okay. Thank you. तो ये कह रहे हैं कि जैसे पैंट आपका अगर बड़ा है नीचे से काटने के लिए, फिर उसको स्मूथ करने के लिए इन दोनों मशीन का यूज़ करते हैं। ये जो है स्टिच रेगुलर जो है सिलाई मशीन है, उस टाइप के हैं। Thank you so much. थैंक यू। अब देखिए कितने प्रकार के यहाँ पे इनके पास कलर के सारे वो पड़े। हाँ नहीं, इसका क्या कर रहे हो? ये देखिए हमने ले लिया है दोनों को, और हैंगर भी शायद ले जाना है साथ में, मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं लेके जा रहा हूँ। अभी चले गए अंदर, मैं फिर से बुलाना नहीं चाह रहा हूँ। ये देखिए हम जो है निकल के आ गए हैं और जा रहे हैं बाहर अपने घर। और इससे सर आपको पता चल गया कि जो है अमेरिका में जो है ड्राई क्लीनिंग का पैसा कितना लगता है। तो हो गया आपका ये लगभग 2000 रुपये हैं दो कपड़े के, एक का तो लगभग 1700 है, दूसरे का 300 रुपये के आसपास है। और रही बात इनके इनकम की, एक महीने में कितना कमाते हैं, तो जैसे अगर एक दिन में 20 लोग भी आते हैं तो $400 हो गया लगभग। एक दिन में $400 का मतलब हो गया लगभग 28,000, ठीक है, एक दिन में। तो अगर एक महीने के हिसाब से जोड़ेंगे तो लगभग 8 लाख रुपए आएगा, 8 लाख रुपया पर महीने। तो एक महीने का जो इनका इनकम है लगभग 5 से 8 लाख रुपये है ना। तो लेकिन यह है कि ठीक है, टैक्स वगैरह भी देते हैं, ऐसा नहीं है, सब कुछ इनके पास रहता है। शॉप है उनके पास, जो भी कर्मचारी काम करते हैं सफाई में और ये सब सिलने में, सब उनको पे करते हैं, ठीक है। तीसरे से आपको पता चल गया कि अमेरिका में जो है ड्राई क्लीनिंग कितने का पड़ता है। थैंक यू अन्या, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ड्राई क्लीनिंग, बाय बाय।